नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आप में से काफी लोगों ने ट्रेन का सफर तो किया ही होगा। ट्रेन के सफर में अगर चाय ना हो तो सफर थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, इसलिए चाय चाय की आवाज सुनते ही हमारे कान खड़े हो जाते हैं और खिड़की से चाय का कप आपकी सीट तक पहुंचाने में रिश्तेदारी भी बन जाती है। लेकिन अब आपको ट्रेनों में चाय चाय की आवाज सुनाई नहीं देगी। जी हाँ, ये खबर आप अपने सभी साथियों को जरूर शेयर कर दें कि अब से ट्रेन में चाय की आवाज सुनने को आप तरसने वाले हैं। दरअसल अब वेंडर गुड मॉर्निंग बेटी की आवाज से आपको उठाएंगे और बताएंगे कि अब कौन सा स्टेशन आने वाला है। जी हाँ, अब आपको बार बार अपना फोन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। IRCTC संस्थान की ट्रेनों में काम करने वाले वेंडर्स को एक विशेष तरह का कार्यक्रम और प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें वो यात्री को ट्रेन का समय और उस वक्त ट्रेन कितने घंटे लेट चल रही है इसकी जानकारी देंगे। राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों में ये बिना मांगे सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा ट्रेनों में पेंट्री कार के वेंडर को पहले बताना पड़ेगा कि आपको चाय, नाश्ता, खाना कब कब चाहिए। वेंडर उसके आधार पर आपको खाना उपलब्ध कराएगा और सुबह गुड मॉर्निंग कर बैटरी उपलब्ध कराएगा। IRCTC ने पहले चरण में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के वेंडर को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में मेल एक्सप्रेस के वेंडर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी के साथ वेंडर्स को यह भी सिखाया जाएगा कि उन्हें यात्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, यात्रियों को सही सूचना देनी है और बुजुर्ग यात्रियों की सहायता करनी है। यात्री की सुविधा को देखते हुए वेज और नॉन वेज खाने का खास ख्याल रखा जाएगा और परोसने की जानकारी भी उन्हें दी जाएगी। इन सभी चीजों को सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग मंडल रेल प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। मुरादाबाद रेल मंडल ने 1 अगस्त को वेंडर्स को ट्रेनिंग देने की जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर IRCTC के जनसंपर्क अधिकारी सिद्धार्थ सिंह की मानी जाए तो उन्होंने भी बोल दिया है कि ट्रेनों में हाइजीनिक चीजों का खास ध्यान रखा जाएगा और कोई भी असुविधा वेंडर्स की तरफ से यात्रियों को ना हो, इसके लिए भी खास ध्यान रखा जाएगा। और आपको तो पता ही होगा कि अगर कोई भी असुविधा आपको महसूस होती है तो आप पीयूष गोयल जी को अपने ट्विटर पर टैग करके इसकी शिकायत कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, मेरा मानना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक रही होगी, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और इसको लाइक तो जरूर कर दें। नमस्कार।